में बॉबी झा एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। एयरपोर्ट पर साक्षी के साथ जमीन पर सो गए धोनी, मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। जूनागढ़ में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस का पहले कर्नाटक में एटीएम था, अब मध्य प्रदेश बन गया है। अब खबरें विस्तार से। इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता केकेआर के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की है। इस मैच के बाद सीएसके की टीम बुधवार 10 अप्रैल की सुबह सुबह जयपुर रवाना हुई। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की गई, जिसमें वो और साक्षी दोनों ही एयरपोर्ट पर बैग सिर के नीचे रखकर जमीन पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। चेन्नई सुपर किंग के ऑफिशियल अकाउंट से इस तस्वीर को ट्वीट पर भी शेयर किया गया है और फैंस इस पर अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं। चुनाव लोकसभा के पहले चरण में 11 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान होने हैं। मंगलवार को महाराणा प्रताप सपोर्टर्स कॉलेज जयपुर से विधानसभा चक्राता के लिए 59 पोलिंग पार्टियों को रिटर्निंग अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी एस ए मुरुगेशन एवं सामान्य प्रेक्षक राजीव रंजन ने रवाना किया। महाराणा प्रताप स्पोर्टर्स कॉलेज में मंगलवार को मिले जैसे माहौल रहा। जिले के 1797 मतदान केंद्र के लिए नियुक्त मतदान कर्मियों के साथ ही 35 जोनल ए व 214 सेक्टर मैजिस्ट्रेटों ने मंगलवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चक्राता विधानसभा के लिए मंगलवार की दोपहर रवाना हुई 59 पोलिंग पार्टियों में से 34 शाम तक अपने केंद्र तक पहुंच जाएगी। 35 पोलिंग पार्टियां रात में रुकेगी और बुधवार को अपने केंद्र तक पहुंच सकेगी। गुजरात के जूनागढ़ में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के सहयोगी के खिलाफ आयकर छापों पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए पहले कर्नाटक एटीएम था, अब मध्य प्रदेश एटीएम बन गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोटाला में एक नया घोटाला सबूतों के साथ और जुड़ गया है, वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस गर्भवती महिलाओं के लिए भेजे गए पैसे तो लूट रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेसियों के पास से बोरा भर भर के नोट की गड्डियां मिल रही है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।